अपन लोग यहाँ पे खाने बैठे है। ये है अपन का खाना। आशीष, प्रमोद और पकलू तो बहुत ही हफ्सी है। और आगे का व्लॉग मेरा भाई राजेश करेगा। तो ये भूखे नंगे बैठे यहाँ पे, नीचे करना तो गुरु। और हाँ, तो ये भूखे नंगे बैठे यहाँ पे, आप अपना नंगे नहीं बैठे हैं, कपड़े पहन के बैठे। सॉरी सॉरी, आप कुछ बोलेंगे? दो शब्द विश्वा मेरे मित्र। बोलिए मेरे भाई लोग, जो कि गोभी को बड़ा बड़ा काट दिया है। अरे छोड़बो ले आर्यन, वो सब्जी और मिठा नहीं रहा है। और पूरी आपको एक भर दिया है, और जबर पूरी जाने के लिए कोठा भर भर लेके खा रहा है। और आप वंश, आप कुछ बोलेंगे? कोटना में मुए है। बोलूंगा कि स्कूल ट्रिप तो बहुत ही मजेदार है, और स्कूल ट्रिप जाने का मौका मिले ना तो आप लोग जरूर जाइए, और उसका पूरा पूरा फायदा एवं आनंद उठाए। लेकिन हाँ, संग भारी हुआ, बचपन से जान दिया, संग भारी हुआ, दूसरी से भर दिया, ऐसे प्रिंसिपल हुकुम कर रहा, संग भारी हुआ, जावा था वीडियो में। और आप भाई आशीष कुछ बोलेंगे? फिलहाल अभी बिजी है। आप बिंद्रा दो सौ रुपये? हाँ, संग भारी हुआ, डेढ़ हंड्रेड पाँच हजार। तो गाइस, अभी खाने के बाद आप लोगों को दो जगह की और टूर आप लोगों को दिखाऊंगा। उससे पहले आप इस वीडियो को कटे यहीं पे दिए, तो लेट्स बिगिन। सो गाइस, तो फाइनली अपन लोग खाना वाना खा के इधर आ चुके हैं। मैंने तो खाना वाना खाने, रोटी वोटी खा के मैं यहाँ पे चला है, क्योंकि आज मूड बहुत ख़राब लग रहा है इधर, और एकदम पेड़ा खाने से भी अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी बस में सफ़र करना है तो उल्टी उल्टी आ जाएगा, तो ज़्यादा खाना बेटर है ही नहीं। उससे अच्छा बिस्कुट उस्कुट खा के आज के दिन को पाएंगे, और दो ही जगह और घूमेंगे, उसके बाद दो जगह की वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा और मजा करेंगे आप। तो सो गाइस, तो ये छोटा भाई मेरे कैमरे को देख कर बहुत ही मतलब उत्सुकता हो रहा है। बचपन में आप लोग किसी अच्छी चीज़ को देखते हो तो बहुत ही मतलब उसको मतलब पाने की कोशिश नहीं करते, फिर देखने छूने की। तो ये लड़का आज वैसे ही कर रहा है, इसको मैं कैमरा भी धरा दिया, उसका फोटो खींच दिया है ना छोटा भाई। क्या गाइस, किसी के सपना अगर कैमरा है तो कैमरा दे दो ना, दो मिनट के लिए उसका पूरा ड्रीम पूरा हो सकता है उसमें। अगर किसी का ड्रीम ये है तो देने में कोई हर्जा नहीं होना चाहिए। तो आप भी मदद करिए, मैं भी मदद करता हूँ, और आनंद उठाइए। तो कीप वाचिंग। सो गाइस, तो फाइनली अपन लोग राजीव के लिए निकल चुके हैं, और पहुँचने के बाद आप लोगों को दिखाता रहूँगा कि राजीव में क्या क्या होता है। तो उससे पहले अभी तो रस्ते में है, तो चलिए आपको थोड़ी सी क्लाइमैक्स दिखाता हूँ। बहुत चलिए, तो फाइनल अपन लोग राजिम पहुंच चुके हैं, और राजिम की मंदिर वगैरह को आप लोगों को दिखाऊंगा। पर उससे पहले सीढ़िया तो चकना पड़ेगा मेरे को ना, सीढ़िया चक के बहुत ही बड़ा नदी पार करेंगे, उसके बाद आप लोगों को राजिम का जो भी है प्रसिद्ध मंदिर वगैरह उसको दिखाऊंगा, और इसी को तो आप लोग इंजॉय करेंगे ना, ये मेरे वाले चिल बेबी। तो चलिए गाइस, तो हमारा बस, अरे बहुत ही बड़ा नदी है, अरे मेरे दोस्त लोग शूटिंग कर रहे हैं, अपना फ़ोटो खींच रहे हैं। ये गुरु मेरा भाई, और उधर इंदिरा मेरा भाई खड़ा है। अरे यार, ओवर ब्रिज ये बहुत ही लंबा है, इसे पार करने में तो मेरे को सदियां भी लग जाएंगी ऐसा लग रहा है भाई। आज रेंगते रहते इतना हालात बन हो गया है कि हद से ज़्यादा भाई, फिर भी अब क्या करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए वो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो आप लोगों को और दिखाता रहूँगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। सो गाइस, तो अपन लोग निकल चुके हैं, और आप लोगों को दिखाता हूँ ये, और मैं तो सबसे पीछे में छूट गया हूँ, और मेरे ख्याल से मेरे को लग रहा है कि मैं मेरे को तो डांटेगी,
और मेरे साथ दो मेरे दोस्त हैं गोकुलपुर के, जस्ट मेरे पड़ोस गांव के, और हम लोग सबसे पीछे छूट गए हैं। और अपन लोग तो जाएंगे, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। गाली वाली देंगी लग रही भाई मैडम। हुआ था ये कि मेरा दोस्त कैमरा को लेकर चला गया था और व्लॉग शूट करना था, आप लोगों को सब चीज़ दिखाना था, इसलिए मैं रुक गया और कैमरा को पकड़ा। व्लॉग शूट करते करते मैं तो व्लॉग शूट कर रहा था, उसी समय वो लोग तो अपन निकल गए और इसलिए मैं थोड़ा पीछे छूट गया। तो चलिए लेट्स बिगिन। सो गाइस, तो अपन लोग फाइनली एक मंदिर आ चुके हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो कौन सा मंदिर है। तो चलिए गाइस, ये नमः शिवाय का मंदिर है, ये नदी के बीचों बीच ही बना है। ये देखिए गाइस, नदी के पूरा बीचों बीच ही बना है ये नमः शिवाय का मंदिर, और बहुत ही भीड़ है और बहुत ही अच्छा है। व्लॉग विथ वंस या फिर ये सर जो माना टॉप फनी टीम, बस आगे में मेरा फोटो आ जाएगा रेड कलर का। सो गाइस, तो यहाँ पे मेरे को कुछ लोग मिले जो कि मेरे वीडियो बनाने की तकनीक को देख के बोल रहे थे कि आप लोग ब्लॉग बनाते हो, बोल के मेरे चैनल का नाम पूछे, और फिर बता दिया कि मैंने दोनों चैनल का नाम व्लॉग विथ वंस और टॉप फनी टीम, और वो लोग देखेंगे, कुछ कमेंट वगैरह करेंगे और इन्जॉय करेंगे गाइस। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ, लेट्स बिगिन। सो गाइस, तो उधर का जगह तो आप लोगों को दिखा दिया, तो अब इधर चलते हैं, और इधर का कुछ कुछ गार्डन और कुछ कुछ शिव जी के मंदिर हैं, उसको भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये प्रवेश द्वार है, और चलिए भाई, क्या हार्दिक अभिनंदन, उसको देखते हैं और आपको भी बताते हैं। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ आती हुई। सो गाइस, तो यह है श्रद्धालुओं का आश्रम। अरे अरे, मेरा भाई क्या बोलते हैं, हिमांशु भाई जो कि इंस्टाग्राम का सुपरस्टार है भाई, आप लोग भी जाइएगा और देखिएगा, मेरा अकाउंट भी मिल जाएगा आप लोगों को इसका आईडी, और आप लोग भी आई एम हिमांशु इसका आईडी नाम है, और आप लोग भी जाइए और देखिए, और पूरा लाइट ठोक दीजिए इसके, हिला दीजिए इसके अकाउंट को पूरा। अरे मेरा भाई लोग, ये मेरा दद्दा, ये मेरा वासु भाई, इसको तो इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ। सो गाइस, तो फाइनली अपन लोग इसका थोड़ा सा ही बस यार, इसलिए थोड़ा सा बस दिखा दिया हूँ, और ये बगीचा टाइप है तो इसका कुछ ज़्यादा नहीं दिखाता हूँ। तो चलते हैं कहीं और अच्छी जगह आप लोगों को दिखाता हूँ, और तो खास जगह नहीं है गाइस, इसलिए आप लोगों को छोटा छोटा दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा, और आप लोगों को तो पूरी वीडियो बचाना है, उसमें आप लोगों को अच्छी से अच्छी जगह दिखाता हूँ। तो चलिए मेरे दोस्तों, सो है गाइस, इंट्रोड्यूसिंग फॉर बबीता लहरे, और ये बिचारी कम हाइट की है, पर कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। ये बबीता रोल, और ये इसका ड्राइवर, और ये विश्व प्रताप, और हम लोग अपन लोग अभी आए हैं गन्ना रस पीने, क्योंकि गर्मी बहुत हो चुका है। और यहाँ पे देख लो, पहले से आके बैठ गया दद्दा लोग, और ये भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई है, इसलिए हम भी पियेंगे गन्ना रस और अपने शरीर को शांत करेंगे, तो आप भी पीने आ जाइए। तो चले, तो भाई, तो फाइनली अपन लोग गन्ना जूस पी लिया, और गन्ना जूस पी के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम बोले तो तरोताज़ा, एकदम ठंडा चिल्ड ब्रो, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब गन्ना जूस पी के ठंडे के समय में भी इतना ज़्यादा गर्मी हो भाई, मारे डालेगा गर्मी। तो अब जल्दी फटाफट बस की ओर चलते हैं, ये मेरे दोस्तों लोग इतने टाइम से रुके हैं, तो अब चलते हैं बस की ओर, फिर नेक्स्ट जगह जाऊंगा, उसके बाद उसका व्लॉग आपको दिखाऊंगा। और सो गाइस, तो आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये एक डांसिंग ब्रिज है, यहाँ पे सभी एकदम डांस करते हुए चल रहे हैं, देखो एकदम फेस्टिवल वाला है भाई। है गाइस, तो फाइनली अपन लोग चंपा पहुँच गया, चंपा एक प्लेस का नाम है, और बहुत ही सुंदर जगह है, तो आप लोगों को इसका तो सभी जगह का नज़ारा दिखाऊंगा। और उससे पहले हम लोगों को तो बस वाला पकड़ के ले गया था आगे, फिर मोड़ के लाया, और हम लोग भी चढ़ गए हैं यहाँ पे। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ उस जगह का, तो लेट्स बिगिन।
सो है गाइस, तो यहाँ पे अपन चंपा का प्लेस देखने आया है। तो यहाँ पे इतना तगड़ा तगड़ा प्लेस है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस, ये बहुत ही बड़ा जो दिख रहा है वो है श्री हवेली मंदिर, और इसमें अंदर जाना अलाउड नहीं है, इसलिए नाका का घेरा लगा दिया गया है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर जगह है, और ये पर रोड पे खड़ा होकर मैं आप लोगों के लिए शूटिंग कर रहा हूँ। ऐसा क्या गाड़ी वगैरह आ रहे हैं, कुछ हो गया फिर भी मेरे को पता नहीं चलेगा। अब क्या करूँ, आप लोगों के लिए वीडियो शूटिंग करना है तो गाइस तो करना तो पड़ेगा ना मेरे को। तो गाइस, तो यहाँ पे कृष्णा भगवान का मूर्ति है, और ये अंदर में भी बहुत ही तगड़े दिख रहे हैं, और यहाँ पर भी है। और ये मेरे ख्याल से कृष्णा मंदिर बहुत ही बड़ा है, गौशाला शौचालय लिखा है, कार्यालय लिखा है, सॉरी। ये कोई अच्छी ही जगह होगा गाइस घूमने के लिए, पर सभी लोग इधर जा रहे हैं और मेरे को भी बुला रहे हैं, तो मेरे को जाना पड़ेगा। और ये है पूरा इस जगह का, और आप लोगों को भी दिखाता रहूँगा, बहुत सी जगह है। तो चलिए ना यार, जुड़े रहे अपने भाई के साथ, तो लेट्स बिगिन। यहाँ पास बहुत सारे साग भाजी वगैरह वगैरह कुछ फल फ्रूट रखे गए हैं, मिठाई वगैरह। और यहाँ से इधर भी देखो गाइस, बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है गाइस। ये क्या है पता नहीं, जूम करता हूँ। श्री वल्लभ भाई संसद भवन, वल्लभ संसद भवन। और यहाँ पर भी क्या है इसका नाम, आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ, पर उससे पहले अंदर जाना पड़ेगा हम लोगों को। बहुत ही बड़ा हवेली है गाइस, और मेरे को पता नहीं है कि किस चीज़ का हवेली है, क्योंकि नाम तो लिखा नहीं है, वरना पढ़ के बता देते आप लोगों को। गाइस, यहाँ पे बहुत ही ज़ोरों से पानी हो रहा है, और फिर भी व्लॉग शूट कर रहा हूँ। और ये गार्डन है मेरे ख्याल से, और हम लोग अपने टीम से बिछड़ चुके हैं, तो उसको खोजते खोजते आगे चलेंगे, मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो बस का पता तो हम लोगों को मालूम है, तो वहीं जाके बैठ जाएंगे, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उससे पहले आप लोगों को व्लॉग शूट करके दिखाता हूँ, तो चलिए। अपन लोग श्री महाप्रभु जी प्रगटे बैठक जी मंदिर चंपारण जाने वाले हैं, अंदर अब घुसर हैं। ये अंदर का माहौल ही बहुत ही अच्छा है, एकदम राजा महाराजा की तरह एकदम से। कैमरा होता तो और अच्छे से दिखा पाता, पर कैमरा तो मेरा साथ पता नहीं, दिन भर चलने के कारण वो बंद हो गया है। चार्जिंग तो था उसमें, पर फिर भी चल नहीं रहा, तो उसका कोई आप कह नहीं सकते। यहाँ पर जूता पहन के अलाउड नहीं है, मैं जूता पहन के घुसर गया हूँ। हेलो दोस्तों, सबसे पहले सॉरी, क्योंकि आगे आप लोगों को व्लॉग नहीं दिखा सकता, क्योंकि फ़ोन में भी अब 2% चार्ज हो चुके हैं, कहीं कभी ना कभी ये स्विच ऑफ हो ही जाएगा, इसलिए अब तो इस व्लॉग को यहीं पे दी एंड करते हैं। और नेक्स्ट बार आप लोगों को अच्छे से व्लॉग दिखाऊंगा, और आप लोग भी मजा करेंगे। तो चलिए आज के इस व्लॉग को यहीं पर दी एंड करते हैं, अगर कुछ कुछ और दिख गया ना तो आप लोगों को दिखा दूँगा जितना भी हो सके मेरे बैटरी में। और कैमरा को खुलने का देरी बस है, और खुल गया ना तो आप लोगों को पूरा ट्रिप ही दिखा देता हूँ गाइस, पर खुल ही नहीं रहा है, इसलिए तो अलग ही पड़े। मेरे को पता नहीं कि वो बिगड़ गया फिर स्विच ऑफ हो गया, कोई आता पता नहीं है, इसलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर दी एंड। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तो चलिए टाटा बाय बाय। तो है गाइस, तो फाइनली मेरा कैमरा अभी तो ठीक जा रहा है, उतने समय बुझा गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बुझा गया था या फिर थोड़ा ख़राब हो गया था, इसलिए ना वो थोड़ा बुझ गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ब्लॉग के लिए वीडियो भी बना रहा था और फोटो भी खींच रहा था ना लड़के, और मेरा भी, इसलिए वो ना ज़्यादा गर्म हो गया ना हीट हो गया था, इसलिए वो बुझ गया था। और अब वो तो बहुत ही तगड़ा पॉइंट चला एकदम स्मूथली, अब तो आप लोगों के लिए बस में, हालांकि मैंने चांपा में आप लोगों को ट्रैवलिंग नहीं दिखाया, पर आप लोगों को बस में ना अपन दोस्त के साथ एक दो गाना गाएंगे, तो उस लोगों को आपको दिखाऊंगा और फुल मस्ती करें, तो आप लोग भी अपने ट्रैवलिंग में ऐसी मस्ती करें। तो कीप वॉचिंग। Nah.
के साड़ी सो गाइस, तो फाइनली अपन लोग दो चार वीडियो में सिंगिंग कर लिए हैं, सक्सेसफुल हैं, और उन लोगों को आपको दिखाता हूँ। बट बस में बनाते नहीं बना, इसलिए आप लोगों को जस्ट बस से उतरने के बाद दो चार वीडियो बना लगता है। अभी भी देख रहे हो कि ये रहा है कैमरा, इसलिए आप कैमरा को बंद करते हैं, क्योंकि ये किसी भी लोहे में पड़ने से टूट जाएगा तो मेरा घाटा हो जाएगा, इनको तो खत्म नहीं होगा, इसीलिए ये इधर बंद करते हैं। आप लोगों को दिखाता हूँ तगड़ा वाला, उसके बाद तो फिर घर जाएंगे। तो लेट्स बिगिन।